Hello and welcome back to my YouTube channel. I am again with you and come up with a new topic which is a very important one. आज हम बात करेंगे कि 12th यानी कि इंटरमीडिएट के बाद जो करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं या मेडिकल लाइन के लिए जाते हैं या पैरामेडिकल साइंसेज की तरफ जाते हैं या फार्मास्यूटिकल साइंस की तरफ जाते हैं, उसी सब कोर्सेज के बीच में एक कोर्स है जिसका नाम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम BBA भी बोलते हैं। तो आजकल ये देखा जा रहा है कि इस कोर्स का जो है क्रेज है वो बहुत बढ़ गया है और काफ़ी बच्चे जो है इस कोर्स को करने की तरफ जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं BBA। अगर हम आज से कुछ साल पहले आपको लेके चलें और बात करें तो इस कोर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते थे। जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि आपके BSc हो गया या आपका BCom हो गया या BCom ऑनर्स को भी फिर भी थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती, लेकिन आजकल के दौर में ये देखा गया है कि BBA का जो है स्कोप बहुत बड़ा है और बच्चे 12th के बाद से ही BBA कोर्स की तरफ जा रहे हैं और मैनेजमेंट के कोर्सेज का जो रुझान है वो इंटरमीडिएट के बाद से ही बनना शुरू हो गया है। वरना पहले ये देखा जाता था कि बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद या स्नातक डिग्री लेने के बाद फिर कहीं सोचते थे कि हमें MBA करना है और MBA एक प्रोफेशनल कोर्स है और उसकी तरफ वो अपना रुझान केंद्रित करते थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि BBA जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में एक डिमांड के तौर पर निकल के आ रहा है। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, इवन IIMs ने भी जो है BBA कोर्स लॉन्च कर दिया है और उन्होंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसे BBA प्लस MBA प्रोग्राम, जो कि 5 साल का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, वो लॉन्च कर दिया है। लोगों की जो है उत्सुकता को देखते हुए, लोगों के रुझान को देखते हुए, पब्लिक में BBA की तरफ जो डिमांड है या जो एक एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसको देखते हुए, क्योंकि पहले लोग BBA को इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि हर इंसान जो कुछ हटके करना चाहता है, जो कुछ सोचता है कि मैं कुछ मैनेजमेंट के फील्ड में करूं या कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर लूं जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ना हो और मैं एम्प्लॉयबल हो जाऊं, यानी कि मैं जॉब करने के लायक बन जाऊं और मार्केट में जल्द से जल्द जॉब पाने की तरफ जा सकूं। तो उस ही कड़ी में एक कोर्स है, दैट इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा चूज कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि क्यों इतना ज़्यादा लोग BBA की तरफ जा रहे हैं, और आपने देखा भी होगा कि काफ़ी कॉलेजेस ने BBA ओपन कर दिया है और उनके पास एडमिशन की कोई कमी नहीं है। आराम से एक छोटे से छोटे कॉलेज में भी अगर आप BBA स्टार्ट कर देते हैं तो आपके एडमिशन्स हो जाते हैं और आसानी से BBA पूरा ऑक्यूपाई हो। तो एक वजह सबसे पहली जो है वो BBA को चूज़ करने के लोगों की ये है कि लोगों को लगता है कि अगर हम 12th करने के बाद अगर BBA कोर्स कर लेते हैं तो BBA कोर्स जो कि एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है, एक मैनेजमेंट का कोर्स है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो हम BBA के बाद भी जॉब कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें एक उनके अंदर जो एक होप जग जाती है कि अगर हमसे MBA नहीं हुआ या हम कहीं से MBA नहीं कर पाए तो कम से कम ग्रेजुएशन करके ही हम जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है बहुत फास्ट पेस ज़माना है, इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स पे। तो अगर आप इंटरमीडिएट करने के बाद सीधे ही आप आसानी से कहीं से भी BBA कर लेते हैं और अच्छे से BBA कर लेते हैं ठीक ठाक जगह से, तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। और अगर आपने किसी अच्छे टॉप नॉच कॉलेज से कर लिया है, क्योंकि आजकल बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज जो है वो BBA प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं और BBA के लिए ऐसे एंट्रेंस हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, जैसे कि पहले किसी टाइम में MBA के लिए फाइट हुआ करती थी, वो फाइट अब BBA के लिए हो गई। इवन जो IIMs की अगर बात करें तो IIMs में जो IPMAT एक एग्जाम होता है जिसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की इसमें बात बताई, तो उसके लिए नेशनल लेवल पे एग्जाम हो रहा है, नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन हो रहा है और IIMs को लेके लोग जो है काफ़ी उत्सुक हैं, नॉट ओनली फॉर देयर PGP और PGDM प्रोग्राम और MBA प्रोग्राम, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे भी IIMs बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और नॉट ओनली IIMs, उसके अलावा जो बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी BBA की सारी सीट्स आप हमेशा देखिएगा फुलफिल रहती हैं। तो उसकी एक वजह यही है कि BBA करके आपको जॉब जल्दी लग जाती है। दूसरा, BBA एक प्रोफेशनल कोर्स है और मैनेजमेंट का कोर्स है, तो अगर आपका शुरू से मैनेजमेंट की तरफ रुझान है तो आप BBA करके आसानी से जॉब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर आप उसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप बाद में MBA भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा जो BBA के स्टूडेंट होते हैं वही MBA की तरफ जाते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं। तो एक तो ये वजह रही कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, जॉब लगने के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा, ये कोर्स जो है ये बहुत ही डाइवर्स कोर्स है BBA, इसमें बहुत डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे
और आपके जो नॉलेज है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है, आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज, नॉट ओनली सब्जेक्टिव नॉलेज, उसके अलावा जो बहुत सारी डाइवर्स नॉलेज है जो आपको दी जाती है ड्यूरिंग दी बीबीए कोर्स, तो वो आप करके आगे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कुछ थोड़ा हटके करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि हम बीएससी की तरफ जाएं या कोई बीए करें या बीकॉम करें, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे करके जॉब लगे, तो बीबीए जो है एक अच्छा ऑप्शन है। और इवन कम फीस में भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है बीबीए करने में। अगर आप और कोर्सेज से कंपेयर करें, अगर इंजीनियरिंग से या मेडिकल लाइन से कंपेयर करें, तो उस लिहाज से तो ये बहुत ही सस्ता कोर्स है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है। अगर आपके अंदर स्पार्क है, आपके अंदर एनर्जी है और कुछ करने की क्षमता है, तो बीबीए करके आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको उसमें इतना ज़्यादा एमबीए की तरफ जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है आपको नॉलेज और इन्हांस करनी है, तो फिर आप बाद में उसमें एमबीए भी कर सकते हैं। और रही बात इसमें सैलरी कितनी लगती है, तो अगर आप ग्रेजुएट सैलरी की बात करें, तो बीबीए करके आप आसानी से 20,000 से 30,000 के बीच में आप अपनी जो है जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, तो वहाँ पर और बड़ा पैकेज आपको मिल सकता है, जो कि आप एमबीए करके भी कमा सकते हैं। तो क्यों हम इतना आगे जाएं, तो आप पहले बीबीए करके भी कर सकते हैं, और आपको लगता है तो आप फिर आगे एमबीए करके जो है अपना पैकेज बढ़ा सकते हैं। तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिल सकती है। और अब अगर सवाल ये होता है कि जॉब्स कहाँ कहाँ हैं बीबीए वालों के लिए, तो बीबीए करके आप मार्केटिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं, एचआर की फील्ड में भी जा सकते हैं, फाइनेंस की फील्ड में भी जा सकते हैं, रिटेल सेक्टर में जा सकते हैं, और आजकल तो डिफरेंट फील्ड्स उभर के आ रहे हैं। आप एनालिटिक्स की फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी जॉब्स विच आर कमिंग अप फॉर बीबीए स्टूडेंट्स ओनली। तो बीबीए करना कोर्स एक बहुत अच्छा सौदा है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका इंटरेस्ट साइंस में या आर्ट्स के फील्ड में नहीं है और वो चाहते हैं कि किस बिजनेस के फील्ड में कुछ आगे करना, तो बीबीए कोर्स करके अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो और बहुत सारे संस्थान हैं जो बीबीए कोर्स कराते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीबीए होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी से भी बीबीए होता है, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो भी, जो अफिलिएटेड कॉलेज हैं वो भी करा रहे हैं। और आप चाहते हैं अच्छी जगह से करना, तो उसके लिए जो वेरियस आईआईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो अपना कंबाइंड टेस्ट कराते हैं, आईपीमेट से बोलते हैं, आप उसके थ्रू भी बीबीए में एडमिशन लेके अपना करियर संवार सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आज आप लोगों को बताया बीबीए कोर्स के बारे में, और थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने रोशनी डालने की कोशिश की। अगर आपको ये अच्छा लगा हो आज का वीडियो, तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।